दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन हुए एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है और अब ये न्यूज़ आने लगी है कि पबजी मोबाइल इंडिया में फिर से वापस आएगा किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के बाद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के बैन के बारे में और मैं बताऊंगा कि पबजी मोबाइल इंडिया में वापस कैसे आएगा और कब तक आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पबजी मोबाइल का इंडिया में बैन होने का एक्चुअल रीज़न क्या है। तो देखो गाइस, पबजी मोबाइल को ग्लोबली टेंसेंट गेम्स पब्लिश करती है और टेंसेंट गेम एक चाइनीज कंपनी है, जिसके चलते सभी पबजी मोबाइल प्लेयर्स के डेटा चाइनीज सर्वर्स पे सेव होते हैं। नाउ अब इंडिया और चाइना के बीच रिलेशन अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल और इसके साथ साथ और भी कई सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। गवर्नमेंट को इस बात की चिंता है कि पबजी मोबाइल और ये सारे ऐप्स हमारे डेटास को चाइनीज सर्वर्स पर डाल रहे हैं, जिसे आगे जाकर चाइनीज गवर्नमेंट हमारे खिलाफ यूज़ कर सकती है। मतलब इसे इजीली समझा जाए तो हमारे गवर्नमेंट को टेंसेंट गेम्स, जो कि चाइनीज कंपनी है, उस पर भरोसा नहीं है और गवर्नमेंट को लगता है कि वो हमारे डेटा का आगे जाके गलत यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने पबजी मोबाइल के साथ साथ और भी कई सारे चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है। अब आते हैं अनबैन पे, कि गेम अनबैन कैसे होगा, कब होगा और होगा भी कि नहीं। तो देखो गाइस, गेम को बैन किया गया 2 सितंबर को और 7 सितंबर को पबजी कॉरपोरेशन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो इस मैटर को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और उन्होंने पबजी मोबाइल इंडिया से टेंसेंट गेम्स का पब्लिशिंग राइट वापस ले रहे हैं। मतलब टेंसेंट गेम्स, जो एक चाइनीज कंपनी है, अब पबजी मोबाइल को इंडिया में पब्लिश नहीं कर पाएगी। और उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वे इंडियन फैंस के लिए पबजी मोबाइल का एक इंडियन वर्जन अलग से लाने वाले हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, बट अब फेक र्यूमर्स आने लगे हैं कि मिनिस्ट्री ने बोला है कि गेम अनबैन नहीं होगा क्योंकि गेम काफ़ी वायलेंट है। तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये पॉइंट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पबजी पीसी हमारे यहाँ अभी भी अवेलेबल है और अगर वायलेंट होने की बात होती तो पबजी पीसी भी मोबाइल के साथ बैन होती। और अगर वायलेंट होने के कारण पबजी मोबाइल इंडिया में बैन होती है तो इंडिया में अभी भी काफ़ी सारे गेम्स अवेलेबल हैं जो पबजी मोबाइल से भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। वायलेंट होने वाली जो ये न्यूज़ है, बिल्कुल भी फॉल्स है, इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है हमें। मेरे ओपिनियन में तो गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया में ज़रूर वापस आएगा और फिलहाल पबजी मोबाइल के इंडियन सर्वर्स अभी तक बंद नहीं हुए हैं। ये पहला साइन है कि पबजी कॉरपोरेशन बैक एंड में कुछ ना कुछ कर रही है। दूसरा रीज़न है कि इंडिया में अभी गेमिंग इंडस्ट्री एकदम बूम पे है और ऐसे मूवमेंट में पबजी कॉरपोरेशन इंडिया में अपना बिजनेस ख़त्म होने नहीं दे सकती है, क्योंकि उन्हें पता है 1 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश में गेमिंग का फ्यूचर कितना बड़ा होगा। तीसरा रीज़न है, पबजी मोबाइल को इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम से है। पबजी मोबाइल चाइना में बैन हुआ था, फिर इसके बाद पबजी मोबाइल का अलग वर्जन कोरियन वर्जन आया, फिर पबजी मोबाइल का वियतनाम वर्जन आया। मतलब पबजी मोबाइल के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं जिन्हें अलग अलग पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं। वियतनाम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके कारण पबजी मोबाइल वालों ने टेंसेंट गेम्स को हटा के वहाँ की अपनी एक गेमिंग कंपनी VNG गेम्स को पबजी मोबाइल के पब्लिशिंग राइट्स को दे दिया है। मतलब टोटली बोले तो पबजी कॉरपोरेशन को ये सब चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी अच्छे से आता है। रही बात इंडिया में अनबैन होने की, तो मेरी ओपिनियन में पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन नहीं होगा, बल्कि रीलॉन्च या री रिलीज होगा। पबजी मोबाइल इंडिया के लिए किसी इंडियन कंपनी को अपनी पब्लिशिंग राइट्स दे देगी और इस पब्लिशर का काम होगा पबजी मोबाइल के इंडियन प्लेयर्स का डेटा इंडिया में ही स्टोर करके रखना और इंडियन सर्वर्स को मेंटेन करना। इन सबसे गवर्नमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पबजी मोबाइल के सभी इंडियन प्लेयर्स के डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा। मतलब ये गेम हाफ इंडियन हो जाएगी। काफ़ी सारे न्यूज़ आने लगे हैं कि पबजी कॉरपोरेशन इंडिया में अभी अपना ऑफिस सेट कर रही है और इन सब प्रोसेस में लगभग 1-2 महीने और भी लग सकते हैं, जिसके बाद पबजी मोबाइल इंडिया में रिलॉन्च हो जाएगा और हमें पबजी मोबाइल का एक इंडियन वर्जन देखने को मिलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में 1-2 महीने और भी लग सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।